देवरिया रामलीला समिति के अध्यक्ष और व्यवसायी अरुण कुमार बरनवाला की ओर से राज्य के बाल गृह के बच्चों को कुशीनगर के एक दिवसीय भ्रमण कराया गया। वहीं आपको बता दें कि पैराडाइजल एकेडमी के अध्यक्ष अमिताभ रावत ने गाइड की भूमिका अदा करते हुए विभिन्न स्थलों का खंडरों के बारे में बच्चों को बताया। राजकीय बाल गृह के जो असहाय बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष मैं बाहर ले आता हूँ, कभी कुशीनगर टूट पे कभी कहीं, इसी बहाने बच्चे मनोरंजन कर लेते हैं। खाने पीने के यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ रहने से उनको लगता है कि हमारे भी कोई गार्जियन है, इसी बहाने हम लोग उनका मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ा मेला टाइप के लोग घूम लेते हैं, उनको लगता है कि हमारे भी कोई गार्जियन। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि और लोग भी बच्चों के प्रति अपनी मानवीय संवेदना दिखाएं, बच्चों को अपने साथ कैरम बोर्ड खिलाएं, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। मैं यही समाज के लोगों से अपील करता हूँ, बच्चों के साथ घुल मिल कर हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चे भी काफी प्रसन्न है जाने के लिए। आज दो तीन जब से ये प्लान बना है कुशीनगर जाने का तब से बच्चे काफी उत्साहित हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज से, पब्लिक से, लोगों से हम कहेंगे कि आवे हमारे यहाँ इन बच्चों के साथ समय बिताएं, ताकि बच्चों को भी लगे कि हमारा भी कोई अपना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? यशोदानंद तिवारी। किस पद पर हैं? मैं यहाँ अधीक्षक के पद पर हूँ।